41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में जिन योद्धाओं ने सबसे अहम भूमिका निभाई वो है रेड माइनर्स, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हें सबसे बड़ा श्रेय दिया जा रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो जाने के बाद हाथों से इन्होंने खुदाई की है और इन्होंने 41 जिंदगियां बचाई है। आप उन्हीं में से थे जिन्होंने खुदाई की? जी, जी। क्या नाम है आपका? नासिर। नासिर, आप खुदाई करके उन मजदूरों तक पहुंचे थे, कितनी बड़ी वहाँ जगह थी खुदाई करने के लिए जो आप खुदाई कर पा रहे थे? 800 mm की, यानी खड़े होकर के आप गए थी कुदाल पावड़ा चला पा रहे थे? नहीं नहीं, 800 mm लगा लो, कितना होता है 800 mm, उसका टोटल अंदर भर कर, यानी आप घुटनों के बल बैठ करके ये खुदाई कर रहे थे? जी, जी। और एक घंटे में कितनी खुदाई आप आगे कर पा रहे थे? एक घंटे में 1.5 meter। जी जी। और 3 घंटे में पूरा पाइप अंदर कर देते हम, 3 meter। 3 meter का ये पाइप पूरा 3 घंटे के अंदर आप कर दे रहे थे, 1-1 meter का। जी, जी, जी। और ये सबसे अहम बात भी है, इसमें आप खास तौर पर एक्सपर्टीज रखते हैं, आपके एक माहिर हैं इस काम में। जिस तरह से बड़ी बड़ी मशीनें फेल हो गई और उसके बाद इस तरह के योद्धा को जब याद किया जाता है, कैसा महसूस हो रहा था टनल के भीतर घुसने से पहले, क्या जज्बा आपका था? सर, घर से जिस टाइम मैं निकला था तो एक बार बच्चों ने मना भी किया था, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ ने भी बोला कि हुआ उतने फते पड़े हैं तुम जाके क्या करोगे, तो मैंने उनसे कहा, पापा से भी कहा, मैं निकाल सकता हूँ उन्हें अगर आप इजाज़त दें। जब ये जज्बा आपका था? मैंने कि मुझे मेरे लीडर ने याद किया है, मेरे वकील हसन भाई ने मुझे याद किया है, उन्हें और मिला है ये मौका निकालने का, ये खुशकिस्मती मानते हो? तो बस मैं उसी पर चला आया, उसके बाद सबने हंसी खुशी विदा किया। उसके बाद पर कल मेरे पास सुबह में बच्चे का मेरे का फोन आया था जी कि पापा आ जाओ। मैंने कि बेटे अभी नहीं, कि अभी निकले नहीं है? अगर नहीं तो मेरा बच्चा कहता है 4-7 साल का है मेरा लड़का, तो उसने कहा कि पापा अब निकाल के ही आना। यानी परिवार के सदस्यों ने, छोटे बच्चे ने भी अपने पिता का ढांढस बताया कि आप एक ऐसे मिशन पर हो जो नेक काम है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बहुत ज्यादा हौसला बजाई कि घर वालों ने भी जी कि निकाल गया हो। लेकिन जब ये खुदाई आपने शुरू की, आप खुद वो मशीन चला रहे थे, उन तक पहुंच रहे थे, क्या दिल में था, क्या कभी ये मिशन नाकाम होगा या फिर मैं अब ये जीत हासिल करके लौटूंगा? नाकाम वाला तो सर दिमाग और दिल बिल्कुल बाहर था कि नाकाम होना ही नहीं देना है, हर हालत में पार करना है। बस एक जज्बा ऐसा था कि बस पहुंचने ही वाले हैं। एक बार तो हमें पहुंचने से पहले ही हम पहुंचे नहीं और उससे पहले तालियां बज गई बाहर के पहुंच गए, तो उस टाइम बहुत खुशी का माहौल था जिस टाइम हम पहुंचे थे, और अंदर बहुत अच्छा वेलकम किया हो जब उस टाइम अंदर गए थे हम जी। उनके पास जो स्टॉक था खाने का, हाँ। पानी, ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज सफिशियंट थी। हाँ। लेकिन अब जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब सभी की धड़कनें रुकी हुई थी, आप मेहनत कर रहे थे बिना खाए पिए भूखे प्यासे, आखिरी हथौड़ा, आखिरी मशीन किसने चलाई जिसने वो होल तैयार कर दिया और वो पहुंच गए? ये मैंने चला, ये जाबाज आप ही सबसे पहले मैंने। और ये मोनू, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू है। आप भी खुदाई में शामिल थे? जी। तो उन मजदूरों तक पहुंचने वाले आप दो योद्धा? जी, हम यूपी से हैं, गांव अख्तियारपुर हमारा, जिला बुलंदशहर है। जी जी। तो ये काम जब शुरू हो रहा था, क्या दिल में था जब आप काम कर रहे थे, कितना टाइम पूरा लगा आपको? हमको 26 घंटे लगे। अच्छा, कुल मिलाकर टनल में घुसने से लेकर भाइयों को रेस्क्यू करने, कैसे काम शुरू किया? मैं पूछूं कम और आप बताओ ज्यादा तो ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने वालों को। जी, हमने काम शुरू करा जिसमें सरिया वगैरह थे, हमने उसको कटवाया वेल्डर लोगों से, फिर हम उसमें अंदर गए, हमने क्लियर वगैरह करा हमने। यानी आपके काम में भी बीच में सरिया की बाधा आई थी जो मशीन के सामने आई थी, लेकिन आप लोगों ने हाथ से वेल्डिंग मशीन से उसे कटवाया, गैस कटर से कटवाया? गैस कटर से हमने उसको कटवाया, वेल्डर लेके गए हम अंदर जी, फिर उन्होंने उसको सरिया को काटा, फिर हमने आगे पाइप सरकाया। ये बताइए कि मशीन तो सीधे सीधे काम करती है, लेकिन जब आपने काटा तो आपने दाएं बाएं कुछ रास्ता और बनाने की कोशिश की, वैसा कुछ किया आपने? पैप का फ्रेंड बचाया था। हाँ जी, पैप का जो फ्रेंड होता है वो बचा के ही काटना होता है। अच्छा। इतनी जगह आगे करके फ्री करके पैप। अच्छा जी। फिर उसके बाद जो पिछला हिस्सा है उसमें आगे के हिस्से को जोड़ना होता है? नहीं, पीछे से ही जॉइंट बाहर जोड़ जोड़ के और उसे पुश करके आगे बढ़ाया। हाँ, पुश करते हैं, मशीन थी इनकी, औगड़ थी, उसे ही पुश करा। लेकिन लोग जब कल्पना करते हैं कि आपने तो बड़ी हिम्मत का काम किया है, लोग कल्पना करते हैं इतनी सी जगह में खुदाई करेंगे तो दम घुटने लगेगा, कैसा महसूस करते थे आप? महसूस क्या करेंगे, हम तो, हमें तो दिल पे ठान लिया था, हमें तो भाई लोग बचाने हैं अपने, हम भी तो मजदूर हैं, हम भी तो फंस सकते थे कहीं, ये वो हमें बचाने आते, जज्बा था हमारे अंदर कि वो हमारे अपने हैं, वो कोई गैर नहीं है, उनकी जिंदगी अब हमारे हवाले है। सभी का सहयोग रहा और हमारे वकील हसन और मुन्ना भाई हमारे मेन लीडर हैं। जी जी। और आर्मी के जवानों की भी तैनाती थी, NDRF SDRF के जवान। तो आप लोगों ने खुदाई शुरू की, कितने मीटर की टोटल खुदाई आप लोगों के हाथों से हुई है? 18 meter सर।
18 मीटर आप लोगों ने खोदा जी, 18 और इसके लिए आपने कुल वक्त कितना लिया? 26 घंटे सर। 26 घंटे काम क्या बीच में सो गए थे, रेस्ट करना पड़ा, कुछ ऐसा जो आम लोगों को मौका मिलता है दिन में काम करो रात को सो जाओ? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई रेस्ट नहीं, कोई स्टॉप नहीं। 26 घंटे नॉन स्टॉप भूखे प्यासे आप काम करते रहे? नहीं, खाना तो पहुंच रहा, साथ में खाना भी खा रहे थे, पर काम नहीं रोक रहे थे? काम नहीं रुक रहा था सर, काम तो रुका ही नहीं है बिल्कुल भी, खाना वाना सब वहीं पे पहुंचा है। हाँ। हमें एक कदम बस इतना भी नहीं चलना पड़ा है, खाली फ्रेश होने के लिए यहाँ आना पड़ा है, बाद बाकी वहाँ से नहीं हटे हैं हम। लेकिन जब वो आखिरी हथौड़ा चलने वाला था, उससे पहले धड़कने तो आपकी भी बढ़ी होगी कि आखिर कब मैं अपने मजदूर भाइयों तक पहुँच जाऊँ, मेरे आखिरी हथौड़े से छेद हो जाए और उनको गले लगा लूँ, क्या सीन हुआ था जब आखिरी हथौड़ा चला वो बताइए? अब कुछ है नहीं, प्रूफ नहीं है बिल्कुल, वो तो आपकी जुबान से ही सामने आ सकता है। प्रूफ नहीं है कि इतनी जगह थी कि सिर्फ मेरा हेड निकला था, मैंने उतने ही में से मैं अंदर चला गया, मेरे पीछे ये भी ऐसे ही उतनी, हमने जगह उसके बाद ही की है, पहले उनसे मिलने के बाद। यानी आपने सीधे थोड़ी सी जगह से भीतर छलांग लगा ली, जैसे ही वो लोग आपसे मिले, आप उनसे मिले, क्या माहौल था, क्या रिएक्शन? बहुत खुशी का माहौल था सर, और ताली बजी अंदर, बहुत खुशी से अंदर बहुत हल्ला मच गया, सारे लोगों ने बहुत ताली बजाई, हमें उठा लिया। और भाई आप इसके हकदार हैं? हाँ जी जी जी। और ये खुशी थी, आपको क्या महसूस हो रहा था जैसे ही आप गए? आप कह रहे हैं कि वो पहले शख्स थे आप, हाँ, पहले योद्धा थे जी, जो टनल के भीतर दाखिल हुए उन तक के रेस्क्यू करने के लिए, क्या आपके दिल में था? सर वो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें देखकर उनसे ज्यादा खुश हम थे। बात क्या हुई, कुछ अल्फाज जो जुबान पर आप आए हूँ उनके और आपके? आए थे अल्फाज भी आए थे उस टाइम पे, उनकी भी आंखें थोड़ी नम थी और थोड़ी बहुत हमारी भी हो गई थी उन्हें देखने के बाद, क्योंकि 17 दिन होते हैं बिना सूरज देखे हुए, उन्होंने कैसे काटे हैं ये वो जानते हैं और उनका दिल जानता है, बाकी खाने को सब कुछ पहुंच रहा हो, लेकिन ये नाजुक घड़ी थी, आंखें अगर नम थी तो ये हकीकत थी, इस दिल की धड़कन जिस तरीके से एक एक करके इंतजार कर रही थी कि मैं अपने भाइयों तक पहुंचूं, ये इन्होंने कर दिखाया। आप भी खुदाई में शामिल थे? नहीं नहीं, हम बाहर रस्सी से वो उसे खींच रहे थे। यानी कि जो मलबा आप लोग यहाँ से तैयार करते थे खुदाई करके, उसे कुछ खींचने के लिए भी लोग थे। खुदाई कितने लोग कर रहे थे? दो आदमी की टीम रहती, चार आदमी खींचने वाले, तो दो दो लोगों ने मिलकर के पहले खुदाई की, कुल मिलाकर चार लोग थे जिन्होंने कि अपने हथौड़ी गई थी फावड़ा चलाया और बाकी के लोग खींचने में लगे। बाकी के खींचने में नॉन स्टॉप ये काम होता है? नॉन स्टॉप सर, नॉन स्टॉप। आपकी मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई, आपको शाबाशी दी गई, हमने देखा है, क्या कहा मुख्यमंत्री ने? इतनी बातचीत तो नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने गले से लगाया और शाबाशी दी थी, हाँ बस, लेकिन बहुत बाजबा की सुविधा बहुत कुछ की है उन्होंने मुख्यमंत्री सीएम धामी ने। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी थे, उनसे उन्होंने भी पीठ थपथपाई, क्या था वो? जी उन्होंने भी पीठ थपथपाई थी और उन्होंने भी बहुत कुछ हमें शुभकामनाएं दी काम करने की, आप सक्सेस हुए हो, बहुत कुछ बोला उन्होंने जी। लेकिन उस टाइम और भी काम बहुत से थे जो एनडीआरएफ टीम कर रही थी, सबका ध्यान सबकी तरफ बटा हुआ। आप पर भरोसा किया गया, देश विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक आए, एक्सपर्ट्स आए, मशीनें आई, लेकिन आप पर भरोसा किया गया, लगता है आपको कि एक बड़ा पुरस्कार है ये, उससे कुछ कम नहीं? सबसे बड़ा हमारी लाइफ का, बहुत बड़ा नहीं, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा है, हमने अभी तक इतना बड़ा कोई काम नहीं किया है सर। ये जज्बा इनका है, ये कहते हैं कि ये जिंदगी का सबसे बड़ा काम उन्होंने कर दिखाया है, और ये सारे लोगों के दिल में, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने ये कर दिखाया है, खुद खुदाई की है, जो सबसे पहले पहुंचे हैं, वसीम, मुन्ना, वो सारे मोनू लोग, ये तमाम इनके साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन्होंने ये वो कारनामा कर दिखाया, कहा कि आंखें नम थी लेकिन आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के रहे होंगे। खुशी के थे सर, खुशी के आंसू थे, वैसा कोई आंसू नहीं था, सब खुशी के ही आंसू। प्रधानमंत्री ने भी वीडियो कॉल पर बातचीत की है, उन्होंने भी नाम लिया कि उन लोगों ने जिस तरह का जज्बा दिखाया हाथ से खुदाई की, कैसा महसूस होता है प्रधानमंत्री वहाँ से? बहुत ज्यादा खुशी सर, बहुत ज्यादा खुशी। हमने तो जीवन में सोचा भी नहीं था हम ऐसे मुकाम पे जाएंगे और हम ऐसे पहुँचेंगे, कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारा मीडिया कभी इंटरव्यू भी लेंगे। नहीं तो ये आपकी हिम्मत की वजह से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो उनके लिए कभी ना भूलने वाला लम्हा था, लेकिन इनका काम दुनिया के लिए कभी ना भुलाया जाने वाला था।